स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ सैम्स एग्ज़ाम, जो कि कंडक्ट होना है आपका 14 फरवरी 2021 को। उसके जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे फार्मासिस्ट के, तो ये उसका पार्ट 6 है। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जा करके, फाइजोस्टिग्मिन इज़ एन एग्ज़ाम्पल फॉर। देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो फाइजोस्टिग्मिन है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, किस कैटेगरी का एग्जांपल है, तो आप आंसर करेंगे एंटीकोलिन स्ट्रेस। ठीक है, फाइजोस्टिग्मिन इज़ एन एग्जांपल फॉर एंटीकोलिन स्ट्रेस। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एनएसएआईडी ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड, आपसे कह रहा है कि एनएसएआईडी कैटेगरी की ड्रग्स जो कि डिराइव किया जाती है एंथ्रानिलिक एसिड से। ठीक है, एनएसएआईडी कैटेगरी की ड्रग, एनएसएआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और ये मेनली जानी जाती हैं ओटीसी ड्रग्स के नाम से। ठीक है, इनको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, दूसरे नाम से ये जानते हैं ओटीसी के नाम से। ठीक है, ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। ठीक है, और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की ये जो दवाएं हैं हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो एनएसएआईडी ड्रग्स जो कि डिराइव की जाती है एंथ्रानिलिक एसिड से, आप आंसर करेंगे मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक एसिड डिराइव की जाती है एंथ्रानिलिक एसिड से और एनएसएआईडी ड्रग है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से हम लोग 3 की तरफ पढ़ेंगे। अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है, अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, आप बताएंगे ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, क्या ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि सिक्रीट आउट होता है जा करके जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, सपोज दैट ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये इसका एंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, तो एंटीरियर पार्ट सिक्रीट आउट करती है 7 हार्मोन्स और पोस्टीरियर पार्ट सिक्रीट करती है 2 हार्मोन्स, कौन कौन से, पोस्टीरियर पार्ट के हार्मोन्स वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पिटोसिन और पिट्रेसिन इसको कहते हैं, और ये जो एंटीरियर पार्ट है वो आपके 7 हार्मोन्स सिक्रीट आउट करती है जिसमें से एक होता है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, आप बताएंगे ग्रोथ हार्मोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। एंड ड्रग विच इनहिबिट्स स्पर्मेटोजिनेसिस यूज्ड एज मेल कंट्रासेप्टिव, देखिए जो स्पर्मेटोजिनेसिस यानी जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको जो है इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, उसको स्टॉप कर देता है, और वर्क उसका होता है एक मेल कंट्रासेप्टिव, यानी अगर स्पर्म का फॉर्मेशन रुकेगा तो वो मेल कंट्रासेप्टिव हो गया जा करके। ठीक है, तो कौन सी ड्रग है, आपको बताना फार्माकोग्नोस्टिक ड्रग के बारे में, तो आप बताएंगे गॉसीपॉल, गॉसीपॉल जो होता है वो स्पर्मेटोजिनेसिस को इनहिबिट कर देता है मेल कैंडिडेट में और वर्क करता है एज अ कंट्रासेप्टिव। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एन एंजियोटेंसिनोजन एंटागोनिस्ट, आपको बताना है एंजियोटेंसिनोजन एंटागोनिस्ट ये कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी का कौन सा होता है, आप बताएंगे सीधे सीधे लोसार्टन, लोसार्टन क्या होता है, एन एंजियोटेंसिनोजन एंटागोनिस्ट होता है। ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सी दवा जो है एंजियोटेंसिनोजन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंजियोटेंसिनोजन एंटागोनिस्ट, तब आप बताएंगे लोसार्टन, अगर लोसार्टन मिलता है आपको आप सीधे क्लिक करेंगे लोसार्टन पे। फिर पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। लोवा स्टेटिन, लोवा स्टेटिन इज, आप बताएंगे एच एम जी को ए रिड्यूस इनहिबिटर्स। ठीक है, एच एम जी को ए रिड्यूस इनहिबिटर्स, इसका फुल फॉर्म आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक दिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोबेनिसिड का इस्तेमाल क्या है, प्रोबेनिसिड का इस्तेमाल क्या है, तो आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया कि प्रोबेनिसिड का इस्तेमाल क्या है। मैं आज आपको बता देता हूँ कि प्रोबेनिसिड जो होता है ये आपका एंटी गाउट होता है, एंटी गाउट होता है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोज, देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट होता है एंटी सीजर ड्रग का, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग का, आफ्टर लार्ज ओवरडोज, अगर आप लार्ज ओवरडोज उसका कर लेते हैं, ओवरडोज हो जाता है वो भी लार्ज अमाउंट में, तो इसमें आ जाएगा जाकर के आपका रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, यानी जो रिस्पायरेशन है वो डिप्रेस हो जाएगा आपका। ठीक है, द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोज इज रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंटी सीजर ड्रग में प्रोड्यूस टेराटोजिनेसिटी, देखिए टेराटोजिनेसिटी
आप लोग जिन लोगों ने फार्मेसी रेगुलर करी है उसको पता होगा कि टेराटोजेनेसिटी क्या होता है। इसमें क्या होता है, फोइटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाता है। क्या होता है, फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाता है। जो एम्ब्रियो होता है वो जो है एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है इनसाइड द मदर, ठीक है, जब वो माँ के पेट में होता है। तो तभी अगर माँ कोई ऐसी जो है मेडिसिन ले ले जो कि हार्मफुल होती है जाकर के उस फीटस के लिए, उस बच्चे के लिए, तो उससे क्या होता है जाकर कि बच्चों में एक फिज़िकली एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं टेराटोजेनेसिटी। और इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं, जैसे फिनेंटोइन है, वेलप्रोएट है और टोपिरामेट है। तीन दवाएं ऐसी हैं एंटी सीजर ड्रग जिनको अगर माँ को दिया जा रहा है तो बच्चे में टेराटोजेनेसिटी हो सकती है, जैसे फिनेंटोइन, ठीक है, वेलप्रोएट और टोपिरामेट। ये तीन दवाएं ऐसी हैं जो है टेराटोजेनेसिटी कॉज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग अगेंस्ट अब्सेंस एंड मायोक्रॉनिक सीजर इज। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसका जो है एक आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप कन्फ्यूज़ होंगे। अभी आगे है, देखिए, अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग अगेंस्ट एब्सेंस एंड मायोक्लोनिक सीजर, मतलब लॉन्ग एक्टिंग होनी चाहिए दवा और किसके अगेंस्ट में, एब्सेंस एंड मायोक्लोनिक सीजर में, ठीक है। तो आप बताएंगे क्लोनाजीपाम। क्लोनाजीपाम जो है वो एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है एब्सेंस और मायोक्लोनिक सीजर दोनों में। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच एंटी सीजर ड्रग एक्ट डायरेक्टली ऑन द गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि कौन सी एंटी सीजर ड्रग्स जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पे। तो आपको बताना है डाइजीपाम। डाइजीपाम क्या होती है जो डायरेक्ट एक्ट करती है गाबा रिसेप्टर पे, गाबा रिसेप्टर पे। गामा, गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। पूछा जाता है आपसे कि गाबा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो डाइजीपाम जो होती है वो डायरेक्ट एक्ट करती जाकर के गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पे। 11 नंबर क्वेश्चन ऑफ जो हम लोग चलेंगे, द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोक्लोनिक सीजर। देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि ऊपर क्या पूछा था कि अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग अगेंस्ट एब्सेंस एंड मायोक्लोनिक सीजर। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोक्लोनिक सीजर। केवल मायोक्लोनिक सीजर पे ऐसी कौन सी ड्रग है जो केवल मायोक्लोनिक सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तब आप बताएंगे वेलप्रोएट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोनाजीपाम नहीं बताएंगे, आप यहाँ पे आप बताएंगे वेलप्रोएट। क्यों, क्योंकि आपसे पूछ रहा है द ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस भी होना चाहिए और ट्रीटमेंट किस में, मायोक्लोनिक सीजर में, ठीक है। केवल मायोक्लोनिक सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है, तो आप बताएंगे वेलप्रोएट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे हम लोग। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन बाई पैसिव डिफ्यूज़न। आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके के सब्सटेंस जो होते हैं वो पेनिट्रेट यानी पार नहीं कर पाते मेम्ब्रेन को पैसिव डिफ्यूज़न से। पैसिव डिफ्यूज़न, एक्टिव डिफ्यूज़न आपने पढ़े होंगे, तो पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू कौन से सब्सटेंस होते हैं जो पेनेट्रेट नहीं कर पाते, जो पार नहीं कर पाते मेम्ब्रेन को, आप बताएंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होते हैं वो पैसिव डिफ्यूज़न करके जो है पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं मेम्ब्रेन को, किसी भी मेम्ब्रेन को, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर स्पेशली। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये आप मान के चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी लगभग किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है, तो आप बताएंगे फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन। आपसे कह रहा है कि किसी भी रूट से एडमिनिस्टर्ड किया गया हो उससे मतलब नहीं, चाहे वो आईवी हो, चाहे आईएम हो, चाहे ओरल हो, चाहे सबक्यूटेनियस हो, चाहे सबलिंगल हो, किसी भी रूट से दी गई हो, लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग, जो ड्रग का अमाउंट आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है, उसको वो कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। फीचर्स ऑफ द सबलिंगल रूट, देखिए आपको बताना है फीचर क्या होता है, क्या एक विशेषता होती है सबलिंगल रूट की। सबलिंगल यानी अंडर द टंग, अंडर द टंग, अंडर द टंग, इसकी क्या एक विशेषता होती है आपको बताना है। तो जब इसकी एक विशेषता पूछ रहा है तो यानी फास्ट, प्रिटी फास्ट एब्जॉर्प्शन, प्रिटी फास्ट एब्जॉर्प्शन, जैसे नाइट्रेट। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ दवाएं जो होती हैं वो अंडर द टंग रखी जाती है, जीभ के नीचे रखी जाती है, जैसे आपकी डिपिन एक आती है, डिपिन एक टैबलेट आती है डिपिन, ठीक है। तो डिपिन टैबलेट आप लोग जानते हैं बीपी को कम करने के लिए दिया जाता है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है।
तो यानी सबलिंगल रूट का क्या हो गया जाकर के एक तरीके से विशेषता कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है नाइट्रेट्स कैटेगरी का, ठीक है। फिर जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इस पे चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन, आपको बताना जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ जिसको हम लोग कह सकते हैं, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड नहीं करता है। हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन, आप बताएंगे टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी जो हाफ लाइफ होता है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन के टाइम पे जो टेकन बाई द मेडिसिन, ठीक है, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे हाफ लाइफ आपका डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हाफ लाइफ आपका डिपेंड नहीं करता है किस पे, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कितनी देर में आपकी ड्रग एब्जॉर्ब होती है इस पे आपका हाफ टाइम डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ये थे आज के 15 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको ये हमारे 15 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल जो कि हमारा एग्ज़ाम पैरा है इसको आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट, मज़ेदार क्वेश्चंस लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम पैरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।